बीजेपी ये चाहती है कि ये पूरा जो आंदोलन है वो हिंदू मुसलमान आंदोलन हो, लेकिन ये हिंदू और मुसलमानों का आंदोलन, हिंदू के खिलाफ मुसलमान ऐसा आंदोलन नहीं है। आपने जो कहा सही है, कश्मीरी पंडितों का दर्द जो है 30 साल पहले उनको कश्मीर से भगाया गया, इसके पीछे आतंकवाद था, कुछ लोकल लोग भी थे, उनको भगाया गया और वो वापस नहीं जा सके। उनका तो जो दर्द है वो दर्द गुजरात में दंगा करके जिनको बर्बाद किया था उन मुसलमानों का दर्द 92-93 में मुंबई में जिन मुसलमानों का हमला हुआ और जो मुंबई में विक्टिम्स हुए उनका दर्द, या फिर दिल्ली में दंगे जो हुए थे सिखों के खिलाफ उनके विक्टिम का दर्द, सारा दर्द एक ही है। शाहीन बाग उसी दर्द का जो गीत है वो गा रहा है, ऐसे मुझे लगता है। और उसमें सारे लोग हैं। देखो शाहीन बाग में सिर्फ आंदोलक धरने पर नहीं बैठे, वहाँ एक उन्होंने एग्जीबिशन भी किया है। एग्जीबिशन में ये दिखाया गया है कि कैसे डिटेंशन सेंटर मोदी सरकार तैयार कर रही है वगैरह वगैरह। तो ये जो आंदोलन है सिर्फ हिंदू मुसलमान आंदोलन तो है ही नहीं। बीजेपी ये लोगों को दिखाना चाहती है, बीजेपी चाहती है कि ये पोलराइजेशन हो, लेकिन मुझे नहीं लगता इस आंदोलन में पोलराइजेशन होगा। पहली बात तो ये है, आप देखो जब 2014 में मोदी चुन के आए तो बीजेपी ने हिंदुत्व का मुद्दा बैक बर्नर पर रखा था, उनके मैनिफेस्टो में भी पहले पन्नों में ये नहीं था। उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम विकास करेंगे, हम सर्वसमावेशक इंक्लूसिव डेवलपमेंट करेंगे, प्रोग्रेस करेंगे, ये सब इनका आश्वासन था। अब दूसरी बार 2019 में जब ये चुन के आए तो इन्होंने सोचा लोगों ने तो हमें वोट दिया है, हमें बड़ी मेजॉरिटी मिली है, तो देखो अभी इसको हम हिंदुत्व का एक्सपेरिमेंट करेंगे। हिंदुत्व जैसे गुजरात में हमने किया था, गुजरात में हिंदुत्व की लैबोरेटरी इन्होंने तैयार की, वैसे ही पूरे देश को करते ऐसा इन्होंने सोचा है। और वो इसलिए कर रहे हैं कि एक तो पहले इनका एजेंडा ही हिंदू राष्ट्र बनाना, आरएसएस का एजेंडा ही है हिंदू राष्ट्र बनाना। आरएसएस को ये कभी मंजूर नहीं था कि अपना देश भारत सेक्युलर राष्ट्र हो। आरएसएस चाहता था अगर जिन्ना मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान को इस्लामिक राष्ट्र बना रहे तो भारत को भी हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए क्योंकि यहाँ हिंदू मेजॉरिटी है। लेकिन महात्मा गांधी से लेकर मौलाना आज़ाद तक सारे नेताओं ने, उसमें जवाहरलाल नेहरू आते हैं, सारे नेता आते हैं, सरदार पटेल भी आते हैं, वो सारे नेताओं ने ये सोच विचार करके ये तय किया कि नहीं, हमारा सेक्युलर राष्ट्र होगा, हमारा धर्माधारी देश नहीं होगा। मोदी को यही बनाना है, देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है। मोहन भागवत को देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है। इनको अर्थव्यवस्था के बारे में कुछ मालूम नहीं है। क्या मोदी को इकोनॉमिक्स क्या मालूम होगा? फिर अमित शाह को इकोनॉमिक्स क्या मालूम होगा? जो एक्सपर्ट्स है इन्होंने लाए थे वो चले गए, वो अरविंद सुब्रमण्यम ने इस्तीफा दिया, वो अपने काम में लग गए। रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर जो थे उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया, वो चले गए। इनको कुछ मालूम नहीं है। ये हिंदुत्व का एजेंडा इसलिए पुश कर रहे हैं क्योंकि ये वही इनका फैसिस्ट एजेंडा है और इनको देश चलाना नहीं आता। सीए छोड़ दो, सीए का मामला जो है वो अभी सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट क्या उसके ऊपर फैसला देगा, उसके ऊपर वो रहेगा जो अमेंडमेंट किया है या नहीं, वो तय होगा। लेकिन एनपीआर हो, पहले भी एनपीआर हुआ था, होता था, ऐसा नहीं है पहली बार एनपीआर हो, लेकिन पहले जो एनपीआर होता था वो सेंसस के लिए होता था। इस एनपीआर में उसमें जो सवाल है उनके, उसमें जो फॉर्म है, उसमें जो कॉलम्स है, वो पूरी तरह से बदल दिए गए हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि इस कॉलम में हमें बताना पड़ेगा कि हमारे पिताजी का जन्म कहाँ हुआ था, हमारी माता का जन्म कहाँ हुआ था। तो इन सवालों की क्या ज़रूरत है? और सरकार एनपीआर के बारे में भी, अगर एनपीआर इंडिपेंडेंटली होता तो मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेंसस के लिए होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप एनपीआर के आधार पर एनआरसी का बेस बना रही है सरकार, इसलिए मुझे उसके बारे में ऑब्जेक्शन है। देखो पहली बार मैंने जो कहा संविधान के लिए लोग रास्ते पर आए, फिर आसाम में क्या हुआ आप देखिए, 19 लाख लोग अपनी नागरिकता प्रूव नहीं कर सके। 19 लाख लोगों में थे से 13 लाख लोग तो हिंदू थे। अभी
इनका बीजेपी का पहले मानना था कि अगर ये एनआरसी चलेगी जो बांग्लादेशी मुसलमान हैं वो अपनी नागरिकता प्रूव नहीं कर पाएंगे और वो चले जाएंगे, लेकिन 19 लाख लोगों में अगर 12-13 लाख लोग हिंदू है तो वो कौन है? फखरुद्दीन अली अहमद की फैमिली है, वो अपनी नागरिकता प्रूव नहीं कर पाई। चंद्रयान 2 के एक साइंटिस्ट है, उनकी फैमिली नागरिकता प्रूव नहीं कर पाई। क्या ये भारतीय नहीं थे? पहले भारतीय जनता पार्टी आसाम में एनआरसी का बड़ा सपोर्ट कर रही थी, लेकिन जब एनआरसी की प्रक्रिया पूरी हुई और उन्होंने देखा कि 19 लाख लोग इससे बाहर होने जा रहे हैं तो उन्होंने भी विरोध शुरू किया। तो मुझे लगता है बीजेपी का ये बड़ा ढकोसला है। अगर 19 लाख लोग सिर्फ आसाम में अपनी नागरिकता प्रूव नहीं कर पाते हैं तो पूरे देश में अगर एनआरसी ये लोग चलाएंगे तो क्या होगा? करोड़ों लोग अपनी नागरिकता प्रूव नहीं कर पाएंगे। मैं आपको कहता हूँ, पूरी प्रामाणिकता से कहता हूँ, मेरे पास की मेरा बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है और कई सारे लोगों के पास अपना बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है। क्योंकि पहले ऐसे होता था कि हम स्कूल में जब एडमिशन लेते थे तो स्कूल हमारा बर्थ सर्टिफिकेट डिमांड करती थी, और जब हम स्कूल छोड़ते थे तो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट देती थी स्कूल। तो अगर आपको कॉलेज में एडमिशन होनी चाहिए या फिर और कुछ करना चाहिए तो बर्थ सर्टिफिकेट नहीं मांगता था कोई, उसके लिए स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट जोड़ा जाता था। तो अभी हमारे जैसे लोगों के पास भी बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है। अभी देखो क्या हुआ, इन्फॉर्मेशन कमिश्नर, भूतपूर्व इन्फॉर्मेशन कमिश्नर जो थे शैलेश गांधी, उन्होंने अपने बर्थ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया बॉम्बे म्यूनसिपालिटी में। उनको जवाब आया कि आपका बर्थ सर्टिफिकेट, आपके बर्थ सर्टिफिकेट का कोई भी प्रूफ यहाँ अवेलेबल नहीं है। तो हम जो मुंबई वाले लोग हैं इनमें से कई सारे लोग ऐसे ही होंगे कि जिनका बर्थ सर्टिफिकेट उनकी मुझे लगता है उनकी बर्थ डेट 1947 की थी, मेरी 1959 की है, मेरी हालत भी यही होगी। तो मेरा सवाल ये है, सिर्फ हिंदू मुसलमान का सवाल नहीं है, सिर्फ मुसलमान बाहर जाने वाले नहीं है, जिनके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, जिनको मालूम नहीं है अपने पिताजी का बर्थ सर्टिफिकेट कहाँ है, या फिर जो गरीब है। आप देखो, प्रकाश अंबेडकर ने बिल्कुल सही कहा है, जो नोमैडिक ट्राइब्स के लोग हैं, जो दलित है, जो आदिवासी है, वो कहाँ से बर्थ सर्टिफिकेट लाएंगे? कभी कभी गांव में तो जो औरत है वो हॉस्पिटल में भी नहीं जाती, वो घर में ही उसकी डिलीवरी होती है, तो वहाँ कहाँ से आएगा बर्थ सर्टिफिकेट? तो आपने जो आधार कार्ड दिया है पहले, या फिर कई लोगों के पास पासपोर्ट है, या फिर कई लोगों के पास वोटर्स कार्ड है, उसके आधार पर ही उसको आपको नागरिकता तय करनी चाहिए। अगर 19 लाख लोग आसाम में नागरिकता सिद्ध नहीं कर पाए तो मुझे लगता है पूरे देश में अगर आप ये अभियान चलाएंगे तो अमित शाह के घर के सामने करोड़ों लोग आएंगे कि हम भारतीय है लेकिन हम नागरिकता प्रूव नहीं कर पा रहे, तो आप क्या करेंगे? आप कहाँ भेजेंगे? मेरा प्रैक्टिकल सवाल है, आप कहाँ भेजेंगे इन लोगों को? मानो कि 1-2-3 करोड़ लोग नागरिकता सिद्ध नहीं कर पा रहे, आप कहाँ भेजेंगे? 3 करोड़ लोगों को रखने के लिए आपके पास डिटेंशन कैंप कहाँ बनाएंगे आप? और उनको खाना कहाँ से देंगे, या मारेंगे गोली मार के जैसे हिटलर ने मारा था? मेरा यही सवाल है, हिटलर ने गैस चैम्बर बनाए और जो उनको मार दिया तो ऐसे ही आप मारेंगे? मेरा ये सवाल है। और देखिए, गरीब लोग जो है इसका सबसे ज़्यादा असर गरीबों पर होगा, वो चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, जैन हो, दलित हो, आदिवासी हो, गरीबों पर होगा, क्योंकि गरीबों के पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं होंगे। तो मोदी और शाह, नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने ये जो जहर फैलाने का काम लिया है अपने हाथ में, ये जो लोगों के मन में इनसिक्योरिटी पैदा की है या लोगों के मन में डर पैदा किया है, इसका सबसे ज़्यादा असर गरीबों पर होने वाला है। इसलिए मैं मानता हूँ नरेंद्र मोदी और अमित शाह इस देश के गरीबों के खिलाफ है। मेरा ये भी कहना है कि पहले एक भी सरकार ऐसी नहीं थी जिन्होंने आम जनता के मन में ऐसा डर पैदा किया। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लागू की, उसके लिए उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी की, लेकिन इमरजेंसी में कुछ बस्तियां छोड़कर आम जनता के मन में ऐसा डर पैदा होने का काम नहीं किया था। जनरली दिल्ली में हुआ था तुर्कमान गेट में, क्योंकि वहां बुलडोजर घुमाए गए थे, लेकिन आज जो हुआ है
हर आदमी के मन में, मेरे मन में डर है, आपके मन में डर है, गरीब के मन में डर है, मध्य जो मिडिल क्लास लोग है, मध्यम वर्ग के लोग है, उनके मन में डर है। तो अपनी जनता को डराने का काम नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने किया है, और मुझे लगता है इसके ऊपर एक ही सॉल्यूशन है, एक ही इसका जवाब हो सकता है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह को सत्ता से हटाना। हम लोग अगर इनको नहीं हटाएंगे तो ये NRC लाएंगे, ये बहुत सारे लोगों को डिटेंशन कैंप में भेजेंगे। तो इसके पहले इनको हटाने का काम भारतीय जनता को करना चाहिए।